तो 2.5 साल और बिता लेते, बोलो हो जाते 14 के लिए, 11.5 और 2.5 कितने हुए, 14 ही ना हुए। हाँ थोड़ा गणित हमारा कमजोर है, जरा बता दिया करो थोड़ा। 2.5 वर्ष आप चित्रकूट में रह जाते तो आपकी अवधि पूरी हो जाती, पास में ही अयोध्या है, लौट के चले जाते 14 साल की अवधि पूरी करके। फिर यहां क्यों आए, कहे हमारी पत्नी खो गई है, उसको खोज रहे। यहां हरि निश्चद वैदेही और विप्र फिरे हम खोजत ते ही। यहां इसलिए आए क्योंकि मेरी पत्नी खो गई, चोरी हो गई है, उनको खोजते फिर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, आपकी पत्नी चित्रकूट में खोई, कहे नहीं। फिर कहे नासिक, तो क्या जरूरत थी नासिक आने की, ना नासिक आते ना पत्नी चोरी होती, क्यों भाई। चित्रकूट में आप रहे रहते आराम से 11.5 साल, कोई खतरा हुआ क्या चित्रकूट में, कहे हाँ हुआ था खतरा। क्या इसे क्या खतरा हुआ था, बोले इंद्र का बेटा जयंत आया, इंद्र का बेटा जयंत आया, उसने मेरी पत्नी के चरण में चोंच मार दी, सीता चरण चोंच हट भागा, ओ मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि जयंत ने आपकी पत्नी के चोंच मार दी, चोंच मारी चरण में, तो जयंत का क्या हुआ फिर। कहा नारद जी ने आकर के जयंत को शरणापन्न कर दिया और जयंत ने क्षमा मांग ली और मैंने उसे क्षमा कर दिया, तो नारद जी अगर न बीच में पड़ते तो जयंत को दुनिया से विदा कर दिया जाता, क्यों भाई दुनिया से ही चला जाता, लेकिन नारद जी पीछे पड़ गए। हनुमान जी बोले नारद जी मेरे पीछे पड़ गए और आपके पीछे पड़ गए, इसलिए आपको पिता के कारण नहीं आना पड़ा, पत्नी के कारण नहीं आना पड़ा, नारद जी के कारण आना पड़ा। ओ सही बताओ नारद जी के कारण आना पड़ा कि नहीं, कि कपि आकृति तुम कीन हमारी करहे किस सहाय, तुम्हारी करहे किस सहाय, कपि आकृति तुम कीन हमारी। तो बानर भालू आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने मुझे बानर बनाया तो मैं श्राप दे रहा हूं कि बंदरों बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, वो हरण होगा तो फिर बानर भालू ही मदद करेंगे बानर। तो आज आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये ऋषिमुख पर्वत एक ऐसा है जहां पर बानर ही बानर रहते हैं। भगवान राम ने कहा बानर रहते हैं, हमें तो एक भी बानर दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो ये समझ रहे थे कि इस पर्वत से ब्राह्मण उतर के आ रहा तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही उतर के आया, तुम कह रहे हो बानर रहते हैं, हम समझ रहे ब्राह्मण रहते हैं ऊपर, क्योंकि उतर के आया है तो ब्राह्मण आया है, इसलिए ब्राह्मण सामने खड़ा है। हनुमान जी बोले ऐसा है ना, हम असली ब्राह्मण हैं ना तुम असली ठाकुर हो क्यों भाई, ना तुम असली क्षत्रिय हो ना हम असली ब्राह्मण हैं, हम भी बने हुए ब्राह्मण हैं और तुम भी बने हुए क्षत्रिय हो, बोलो सही बात है कि नहीं, जल्दी बताओ है सही बात कि नहीं। बस अंतर इतना है कि हम पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने आपके शब्द सुनकर के आपको पहचान लिया, इसलिए चरण पकड़ लिए, नहीं पहले तो माथ ना आए, दूर से प्रणाम किया, लेकिन जब मैं समझ गया कि ये तो मेरा स्वामी आ गया है तब मैंने चरण पकड़े। तो कहा कैसे, बोले शब्द ने बता दिया है, बोले आपकी वाणी ने बता दिया है, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरीन सिचर वही देही विप्र फिरे हम खोजत थे ही, आप चरित कहा हम गाई
कथा बुझाई तो सीधी सी बात यह है कि आपने ही तो कहा है कि मेरे पिताजी का मरण हो गया, मेरी पत्नी का हरण हो गया, आपन चरित का हम गाई, हम कथा गा के सुना रहे। तो संसारी कोई माना होता अगर ये घटना घट जाती कि पत्नी का हरण हो जाता और पिता का मरण हो जाता, संसार का सामान्य कोई माना होता तो वो रोके सुनाता, गाके नहीं सुनाता। क्यों भाई, इतनी बड़ी घटना घट जाए, ऐसा व्यक्ति कथा व्यथा होगी कि कथा होगी, बोलो व्यथा होगी कि नहीं होगी? और व्यथा को गाके सुनाया जाता है कि रोके? कथा को गा के सुनाया जाता है और व्यथा को रोके। अभी तुम क्या सुन रहे हो, व्यथा सुन रहे हो कि कथा? कथा सुन रहे हो। हम रोके सुना रहे कि गा के? गा के सुना रहे, क्योंकि कथा गा के सुनाई जाती है और व्यथा रोके सुनाई जाती है। आप गा के सुना रहे हो, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने गा के सुनाया तो हनुमान जी बोले सरकार व्यथा रोके सुनाई जाती है और कथा गा के सुनाई जाती है। परमात्मा ही एक संसार में ऐसा है, क्योंकि जीवात्मा में और परमात्मा में यही अंतर है। क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है, क्योंकि जीव की कहानी, जीवात्मा की कहानी दुख से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? दुख से। क्योंकि जीव जब जगत में आता है तो दुख लेके आता है। 9 महीने तक, बोलो ईमानदारी से बताओ, 9 महीने तक माँ के उदर में रहा, बोलो वहां सुख मिला कि दुख मिला? जल्दी बोलो, मिला दुख कि नहीं मिला? यहां तक कि जब दुनिया में आया तो माँ को जिंदगी मौत की लड़ाई लड़नी पड़ी। बोलो, जिंदगी मौत की लड़ाई तुम्हारे पीछे माँ ने लड़ी कि नहीं लड़ी? 9 महीने तक तुम माँ के उदर में रहे, गर्भ में रहे, इसके बाद जब संसार में आए तो माँ को अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ी। भगवान की कृपा रही कि तुम भी सुरक्षित आ गए और माँ भी सुरक्षित हो गई, ये भगवान की कृपा थी। बोलो ठीक नहीं? लेकिन जब तुम इस संसार में आए तो हंसते हुए आए कि रोते हुए? बोलो, आए रोते हुए। एक बात और बतावे, कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई बेटा कहीं कहीं और कभी कभी और कहीं कहीं कि कोई बेटा पैदा होता है तो रोता नहीं, कभी कभी होता है। वैसे प्रायः तो रोते ही है, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, रोता नहीं है। तो जबरदस्ती उसे रुलाया जाता है, यानी क्या क्या पता नहीं, तमाम प्रकार वो किए जाते। क्यों? और जब वो रो देता है तब खाली बचती हो, थालियां बजने लगती हैं। क्यों भाई? खुशियां मनाई। जब तक वो रोता नहीं है तब तक थाली नहीं बजती है। बजती है क्या? जब तक वो रोता नहीं है तब तक थाली नहीं बजती है। उसको रुलाने में ही सब लगे रहते हैं कि रो है वो, रो है, इसको रुलाओ, किसी तरह रुला। इसका मतलब है कि जीव गर्भ में रहा तो कष्ट पाया, संसार में आया तो रोते हुए आया। बोलो आया कि नहीं आया प्यारे? और सुन लीजिए, आपको हम बतावे सही बात तो ये है, ये जो तुम्हारा स्वरूप बदला है ना, स्वरूप जो तुम्हारा बदला है, ये किसने बदला? मैं कहता हूं अवस्था ने कम बदला है, समस्याओं ने ज्यादा बदला है। जो तुम्हारा चेहरा बदला है वो अवस्था ने कम बदला है, लेकिन समस्याओं ने ज्यादा बदला है। इसका मतलब है समस्या का तात्पर्य है व्यथा, कष्ट। बोलो है कि नहीं? इस संसार में कोई आएगा तो व्यथाएं उसको घेर लेनी। गृह कारज नाना जंजाला, तेयत दुर्गम सैल विशाला, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी और हो ही जाती है। लेकिन परमात्मा की क्या पहचान है? समस्याएं बड़ी से बड़ी क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो रोता नहीं है, वो गाता है। वो क्या करता है? गाता है। किसी ने कहा कि वो तो रो रहा था पहले, आंखों में आंसू थे, तब तो लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तर पाती। एक बात और सुन लीजिए, परमात्मा लीला करता है तो लीला में, नर लीला करता है तो उसमें, नाटक में लगता है कि ये रो रहा है,
लेकिन सही बात तो यह है कि नाटक मानी वास्तविकता नहीं होता। नाटक मानी वास्तविकता होता है क्या? नाटक मानी नाटक ही तो होता है। जैसे मान लीजिए कोई हरिश्चंद्र का रोल करे नाटक में, रात्रि में नाटक चल रहा हो मंच, और हरिश्चंद्र बन जावे, और हो व्यापारी वो दुकान पे बैठता हो मार्केट में, और हरिश्चंद्र के अभिनय में उसने रात में अपना सब कुछ लुटा दिया। अब लोग कहें कि बहुत बढ़िया रहा, ये तो इतना बड़ा दानवीर है कि चलो दिन में इसकी दुकान पे चलें, ये पूरी दुकान ही लुटा देगा। बोलो भाई, ओ पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, ये भी लाओ कहे ये लाओ ये लाओ, वो देना शुरू करे पैसा कोई देना, तो कहे पैसा लाओ, कहे रे तुम हरिश्चंद हो, रात में तुमने सब लुटा दिया था, वो दिन में क्या कर रहे हो? तो वो कहेगा ये है वास्तविकता, दिन में वो था नाटक। वो क्या था? नाटक था, लेकिन ये है वास्तविकता। तो नाटक में और वास्तविकता में अंतर होता है। तो ये परमात्मा की लीला है, अभिनय है, जो रोने वाला रोल है। लेकिन यहाँ हनुमान जी के सामने वास्तविकता है। सीधी सी बात ये है, संसार के सामने जब नरलीला परमात्मा करता है तो वो अभिनय करने लगता है नरलीला में, लेकिन जब उसे महात्मा मिल जाता है तो अपनी वास्तविकता का प्रदर्शन कर देता है, अपनी वास्तविकता को महात्मा के सामने प्रस्तुत कर देता है। बस यही हुआ, हनुमान जी को देख करके भगवान ने अपनी वास्तविकता का वर्णन कर दिया कि वास्तविकता है क्या, वर्णन हो रहा है ये वास्तविकता का। बोलो हो रहा है कि नहीं? आपन चरित कहा हम गाई, ओ कहो विप्रन जी कथा बुझाई।